और मेरे चैनल का नाम है जी आई जी एडीए में। दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है और स्पेशल वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ओप्पो A57 5G स्मार्टफोन के बारे में। भाई ये सस्ता 5G स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस दी गई है ना वो बिल्कुल ही कह सकता हूँ कि घटिया से घटिया स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। और इस डिवाइस की जो प्राइस होने वाली है ना पाकिस्तान की मार्केट में लाइक 38,000 की प्राइस टैग में दोस्तों ये डिवाइस आएगी पाकिस्तान की मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस के साथ दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च की जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की डिज़ाइन के बारे में। भाई बैक का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और उसके अलावा यार जो इसका कैमरा डिज़ाइन है ना भाई कैमरा डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दोस्तों अब 2022 में 4 कैमराज का जो ट्रेंड है ना जो बैक पे हमें 4 कैमराज प्रोवाइड किए जाते थे वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब आपको स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से बैक पे या 2 कैमराज या 3 कैमराज ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कैमराज नहीं देखने को मिलेंगे। अगर इसकी बात कीजिए ना इसके फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन की तो आपको फ्रंट पे वही यार पुराने से पुराना वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको 6.5 इंच का स्क्रीन साइज प्रोवाइड किया गया है और इस डिवाइस में आपको IPS का पैनल दिया गया है, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है और यहाँ पे आपको HD की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। लेकिन दोस्तों आपको इस डिवाइस में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई जो यार होनी चाहिए थी, क्योंकि यार जो प्रोटेक्शन है ना हमारे स्मार्टफोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब इस डिवाइस में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में। इस डिवाइस में आपको एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया और इस डिवाइस में आपको जो UI प्रोवाइड किया गया ना कलर OS 12.1 प्रोवाइड किया गया। इस डिवाइस में आपको चिपसेट जो प्रोवाइड की गई है MediaTek Helio Dimensity 810 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है जो एक 5G चिपसेट है जो बेस करती है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस डिवाइस में आपको Mali G57 का GPU प्रोवाइड किया गया। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझना कि ये डिवाइस एक गेमिंग बेस्ड डिवाइस है, बिल्कुल भी दोस्तों ये एक डिवाइस गेमिंग बेस्ड डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस डिवाइस में 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे PUBG नहीं खेल सकते। अगर खेलोगे तो क्या होगा कि यार आपका जो स्मार्टफोन ना तप जाएगा, तो डेफिनेटली आपको अपने स्मार्टफोन को पकड़ के फ्रीजर में फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपका स्मार्टफोन ठंडा हो जाएगा तो आपका स्मार्टफोन खराब हो जाएगा। अब मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ कि इस डिवाइस में मुझे नहीं लगता कि 60 फ्रेम पर सेकंड की भी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है यार पबजी में। तो भाई गेमिंग बेस्ड डिवाइस ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 38,000 यार इस डिवाइस की प्राइस होने वाली है पाकिस्तान के मार्केट में, बिल्कुल ही ओवर प्राइस के साथ दोस्तों ये डिवाइस लॉन्च की जाएगी। अब बात करते हैं यार इस डिवाइस के कैमराज के बारे में। बैक पे आपको 2 कैमराज की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है जिसमें से दोस्तों जो मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का एक वाइड लेंस दिया गया है, जो इसका सेकेंडरी कैमरा है ना वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो आपको बैक के 2 कैमराज के साथ ही ना 2 LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सिंगल LED फ्लैश लाइट नहीं प्रोवाइड की गई बल्कि 2 LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों आपको फ्रंट पे कोई भी फ्लैश लाइट की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई क्योंकि ये टेक्नो इन्फ्लिक्स वाले नहीं है कि ये दोस्तों ये ओप्पो ब्रांड है, सस्ते नशे करने वाली मशीन है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी फ्रंट पे फ्लैश लाइट की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई। दोस्तों बैक कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बल्कि फुल HD और HD पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आप फ्रंट सेल्फी कैमरा से भी HD और फुल HD पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इस डिवाइस में आपको 5000mAh की बैटरी तो प्रोवाइड की गई है, लेकिन यह सबसे बुरी बात यह है कि यार हमें इस डिवाइस में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई और इस डिवाइस की प्राइस रखी गई है 38,000। यार बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि ओप्पो वाले यार इतने सस्ते नशे आप करते हो कि यार हमें डिवाइस में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन प्रोवाइड की नहीं गई। सही बात है, मुझे तो लगता है कि यार जो ओप्पो का CEO है ना वो मसली है मुझे तो यही लगता है कि वो गोरा नहीं है, वो मसली है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी दबाना यार, दबा के सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़।